let him pass. ललिता कौन जी तुम किसी तुम्हें कहना कौन पाई मत मो पु को एका छाड़ी दियो कौन कहल मो पु तुम्हें एक कही पार कमी सी आमरी पु जदि से तलवार देखी खेलुला असुविधा कौट रहा ललिता दाइमा आप क्या लेके आए ये सीजा मांस की पानी है बेटा इसको पीना हर बच्चों के लिए जरूरी है इसको पीने से बच्चों के अंदर ताकत आती है इसलिए मैं अपने साहिबजादे के वास्ते खुद अपने हाथों से बना के लाई हूँ दाइमा क्या आप सच बोल रहे इसको पीने से मेरा बेटा योद्धा बनेगा जरूर बाबा ठीक अच्छे ललिता ललिता सकाळे रागीथिलो एबे से सब को भूली जाओ आ देख दाइमा आम बेटा पई कौन आनी चंते सीजा मांसर पानी आकू पीले हमारा बेटा योद्धा बनेगा योद्धा निया आकू खुआई दिया मो पो बहुत छोटा माँ खीर छड़ा साउ किछि खाइबा उचित नहीं तबे मांस पानी कौन पाई आंचंती आपणकर कोन किछि बुद्धि सुधि नहीं मो पुओ कथा मु बुझिबि आपण बेसी मुंडो खेलिबा दरकार नहीं रो, ललिता तमें समस्त को एमिति व्यवहार करिवार माने कौन तमें जानिछ दाइमा होचंती ए महल रो सबुठु पुरुणा दाइमा आ मु भी तांकु सम्मान दिए तमें तांकु एमिति व्यवहार करिबाटा आदो ठीक कल जमा ठीक कल दाइमा दीजिए मुझे दीजिए आज मेरे बेटे को अपने हाथों से गोसत का पानी पिलाऊंगा निया, याकु पियाई दियो। आपण मु पुअर भले चाहती ना खराब चाहती माने तमर कहिवार मतलब कौन माने एया जे मो पुओ पई कौन ठीक और कौन भूल से कथा मु ठीक भाबे रे जाने आपण मते बाध्य करछन कौन पई बाध्य करूची हां बाध्य करूची मु अब एथि पई बाध्य करूची सियो जी मो बेटा मुताकु मो भली जुद्धा बनेया पे जाउची जुद्धा अरे तमरो मोगल वीर मानन को विषय रे किछि भी धारणा नै किछि भी नै काहे किना तमे जणे गाउन स्त्री लोग कौन कहिले हां मु जहा कहिछि एकदम ठीक कहिछि किछे भूल कहिनी ठीक अछि किंतु भूली जानतुनी सालो बेगम मोर बिपुओ आउ से जदि मो भली साधारण लोक हुए ताले मु बहुत खुशी हेबी कारण अत्यंत आपण को भली मंदिर भांगिबनी कि नर हत्या करिबनी
प्रभु मो पुअर जातक उन्नीस रु कोड़े वर्ष भितर से युद्ध आघात पाइब तेणु से अस्त्र दूरे की रहिबा उचित किंतु ता बापा चाहती से गोटे योद्धा हो युद्ध विद्या शिखो मो पाखे कौन सी उपाय नहीं उसे जातक कथा विश्वास भी करिबे नी मो पु को आपण को बिकी देली एबे आपण ही ताको रक्षा करिबे मत मो पु को एका छाड़ी दिं मो पु कौन ठीक और कौन भूल से कथा ठीक भावे जाने साल बेगम मोर भी पु आदि मो भली साधारण लोक हुए ताहले मु बहुत खुशी हेबी तेन तो आपण मंदिर भांगिबनी कि नर हत्या करिबनी आज खबर कौन सुबेदार मिजाज आज ठीक ना से रागिक अच्छा अच्छा कथा कौन प्रतिदिन मुठिक आसे मोर निजर दुख भूलिया आ दारू पी किंतु आज तुम ये बस मो आसवा पूर्व मुझे बुझीपाल कौन है मुझे तुम्हें सीना मत तुम शत्रु भाव या तुम कष्ट कौन मुझे जाने निश्चय तुम बेगम तुम किसी मेरे बीबी के बारे में बोलना बंद करो तीर निशाने पे लगा हुआ है ठीक अच्छे हमें से विषय में कथा हवानी एटा तुम घर ही मामला आम एवं साहबजादा विषय में कथा हवा कारण से आमर मुगल मानकर भविष्य तुम कहना क्या चाहते हो मुगर जहाँ कही थी पुणी थे मन पकई दौ तुम्हें जदि सालबाबू जन योद्धा करवा चाहू ताल आज तार दायित्व तो नवा दरकार और से दायित्व तो केवल मोगल मान ही नहीं पारे जदि से ललितार शिक्षार पड़े ताल से गोटे योद्धा नु से गोटे सामान्य सैनिक भी हो पारे तुम्हें एमती कहीं कौ तुम मन रखा उचित ललिता जड़े सामान्य हिंदू विधवा थिला से गोटे गाँव रु आसी राजपरिवार सहित तार किसी संपर्क ना आगे राजपरिवार आदब कायदा जना ना आ साल बाबू मुगल परिवार जन साहबजादा हिसाब से कमी पाल ललिता तुमको बहुत कलापर भी से मुगल मानक धर्म भितर को आसी पार एबे भी से आम मान घृणा कर हिंदू देवता मान पूजा कर साल बेगर मन भितर मोगल मान विरुद्ध विष पुरौच दिन आसब दिने तुम ता कथा पड़ी हिंदू देवदेव को पूजा कर दिन मोगल बादशाह तुमको आम पुओ को ग्रहण करे एथर पुओ को साहबजादा कर स्वप्न देखा बंद कर दि Yeah!
19 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ କୌଣସି ଏକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଜୀବନ ହରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତୁମ ପୁଅକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବ, ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କଲେ ତା ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। ठाकुर घर भीतर को आसंतुनि, ठाकुर घर अपवित्र हो जीव। ओ घर भीतर तुम्हें पूजा पाठ कले घर अपवित्र होनी, किंतु मु घरे पाद पकाई देले घर अपवित्र हो जीव। देखंतु आपण मते कथा दीथिले मो धर्म पालन करिवरे आपण केबे भी बाधा देबे। मु तुमको बाधा दो किंतु तार अर्थ नुह तमे मते एमती व्यवहार करिवो। मु बादशाह ठारु खबर पाई दिल्ली जाउछे, ता अगुरु मु टिके मो बेटा को देखिया पई चाहूछे। अरे 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 साहब जरे कैसे हो? जरूरी काम पाई मते दिल्ली जीवाक पड़ुछ, किछ दिन तम सहित देखा आई परियो रे। मन दुख जमा करिवनी हैं या बेकरो माईटा गला कोड़े मु काढ़ी दे छी। जदि से ललितार शिक्षा रे पड़े ताले से गोटे योद्धा नु से गोटे सामान्य सैनिक भी हो पारे। तुम्हें तो सब कर कारण कौन? मु मो पु को युद्ध करवा अस्त्र चल सब दूर रखा चाहिए से कर कौन? मुझे मुगल मानक भली जमा भी हवा को देवी से मो भली पूजा पाठ कर कौन है सुबेदार पु मुल्ला हब पूजा पाठ कर। शुणु बाहर पूर्व आपत कथा देते कौन से हिंदू मंदिर भांगे कि कौन से हिंदू मान अत्याचार करें। आज आप पुह को से रास्ता को लेकिन केमी चाहते मुझे हेले मो बेटा कथा दे तुम्हें मु तार भविष्य को नष्ट मुझक अनुरोध करेग को एका रहा दि सब जिनस पूरा होने ठीक अच्छे। तुम प्रतिज्ञा मोर हाथ गोड़ को बांधि देचे, तुम शर्त मो पार्टी को बंद कर देचे, से मोर जहा करबा कथा मु करि पारुनी, किंतु मो बेटा जहा पाई से जन्म होइचे से सेया करिवो। से मोगल शासन जड़े विश्वस्त योद्धा हब तार वीरत्व देखी समस्ते साहब ज्यादा कहे
तुम्हें चाहिए भी तार तकदीर को बदल पारे। उन्नीस रु कोड़े वर्ष बयस कौन सी एक युद्ध में गुरुतर आहत हो जीवन हरवर संभावना अच्छी। तुम पुह को युद्ध ठार दूरे रख भगवान शरण में ना को चेष्टा कर भगवान का पूजा कले जीवन शांति फेरी आस। हठात बादशाह लाल बेग को दिल्ली डकेबार कारण कौन हो पाए तुम कि अनुमान कर पार। दिल्ली दरबार कथा मुझे जानी मत लगुच बादशाह बोधे लाल बेग को दंड दे पारे कारण ललिता विषय राजा मान सिंह बादशाह को सब कथा कही थे। राजनीति में केते बेले कौन परिवर्तन हुए से कथा तुम्हें अनुमान कर पारन अशोक खान। वर्तमान समय को लक्ष्य कर आज 1606 चली गोटे वर्ष तलु बादशाह अकबर को मृत्यु पर जहांगीर सिंहासन आरोहण करपटे खोर्धा राजनीति में विराट परिवर्तन है। 6 वर्ष तलु गजपति रामचंद्र देवं मृत्यु पर पुआ पुरुषोत्तम देव होती खोर्धार गजपति। ठीक यही समय रे लाल बेग दिल्ली जाऊंगे तुम कि अनुमान कर पार। मुझे बुझीपर तुम्हें कि बुझी भी पारन जहांगीर बादशाह होती लाल बेग पादिन बंधु ताकूत कौन से बड़ दायित्व मिल पाए। तुम ये कौन कह छाड़ से कथा लाल बेग फेर पर्यंत मत कटक दायित्व रेतर स्त्री पिलार दायित्व आम उपर छाड़ी चली जाइंट तेणु तर जमी कि असुविधा न हुए बुझल। आपण कौन एबे दिल्ली पड़े रास्त जीवाई मत अनेक दिन लगे बादशाह मत जरूरी खबर दे दिल्ली डक आगु तो किसी सूचना नाला एमती हटात कौन पर डाकिले मत लगुच मो विरुद्ध दिल्ली में किसी गोटे षड्र चली। अनेक दिन तले बादशाह मत दिल्ली डकई तो मो देह खराब कही मु दिल्ली जीवा को मना कर दे किंतु पुणी थे मत डक किए जदि षड्र रचु था कौन हम ए भय कर किसी ना कारण एवं दिल्लीर बादशाह होती जहांगीर ता सहित तो मोर बहुत पुराणा संपर्क थे सहित तो भेट हो गले सब कथा उल्टा हो फेर कथा तो मुझे किंतु हाँ बादशाह मत ओडिशा नहीं अन्य किसी गोटे बड़ दायित्व दे पारे आतीपाई हासिम खान तुम दायित्व सबू नब आ दिल्ली पहुँचला खबर पठेबी। बेटा कुछ दिन के लिए तुम्हारा साथ
मुलाकात हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं जरूरी काम के लिए दिल्ली जा रहा हूं। खुदा आपको खुश रखे। बेगम, मेरे बेटे का ख्याल रखना। चलो। सोना, रास्ता देखि चाहिए जी निजर जत्न ने युद्ध करें पहुंचला खबर देवे। जरूर याद रखूंगा। चलता हूं बेटे।